नीचे उधर ये आड़ू वाला फल खाते हुए गाइस हम लड़की भगा के पहाड़ी में ले जा रहे हैं सीता को भगा के। हालांकि बिल्कुल कुछ गेम का कोई सेंस नहीं है। अच्छा तो मुझसे वाला एमी को बनता है और कौन है यार एमसी स्टैग ये कौन है गली बॉय और एक उनके पास में भी है मैम थोड़ा अपना चेहरा दिखाइए जरा। सेलिब्रिटी है ये हमारी सेलिब्रिटी है इनका चैनल नाम डिस्क्राइब कर दो ये दीवू की मैम है दीवू की मैम कह रहा हूँ दीवू की बहन है ये बिल्कुल इनकी मैम इनकी बहन है दादी अम्मा। तुम बस पैसे दो पैसे यहाँ कचरा कर रहे थे तुम दोनों बैठे बैठे। तो भाई अब हम कुछ खाते हैं पहले दोबारा से रुक गए कुछ खा पी के फिर हम यहाँ से निकलेंगे 130 किलोमीटर से उसके 4 घंटे का सफर है तो भाई उसके बाद हम पहुँचेंगे अपना जम्मू कश्मीर। और भाई यार एक बात हो रहा है जिससे मेरी हालत ख़राब हो रही है जो कि हमें ड्राइवर ने बोली हमारे पर वो मैं आपको आराम से बताऊंगा थोड़ा तसल्ली में। गाइस ये लड़की ना ये जो लड़की है ये यहाँ ये जिसका नकाब उतरा है ये लड़की किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती भाई देख रहे हो खुद टका टक खा रही है और हमें नहीं होने नहीं कभी नहीं देखोगे। एक बार देखो देखो जिसके घर में बटन ना हो ना ये ले जाओ देखो ये शर्ट में एक्स्ट्रा बटन मैंने यहाँ डाल लिया कहाँ पे हाथ में अपने ये हाथ में क्या मतलब होता है तो मैं कहता मेरे ही बीवी बच्चे हैं और मैं भी घर चला मेरे भी बीवी बच्चे हैं लेकिन मैं भी यहाँ पे आया हूँ अपनी जान पे खेल के तो प्लीज भाई भाई तेरी बीवी है या पति है उसने yes. मुझे बोलने के लिए कहा मैं वो डायलॉग्स बोल रही हूँ मेरे बीवी बच्चे कहाँ से आ गए कोई बोलेगा खाई में पहुंच जाओगे क्या। बट भाई देखो सिंपल बात है लड़की ये लड़की वैसे नहीं बोल रहा वैसे बहुत सही लड़की है हमारे हाँ सब कुछ बोल लो चल लो पागल मेंटल दवाई खाती है लड़की बहुत अच्छी है मतलब कहने को ये बुरा नहीं मानती सही लग रही है मस्त है भाई एक और मंगा लो सब चीज छीन के पीने की आदत हो गई है ने बोल रहा है पर ये लड़की बिल्कुल शांत रहती है ये देखो बिल्कुल शांत भी है और 2 दिन से परेशान पर ये लड़की बहुत सही है यार आप कैसा है बहुत मीठा है ना भाई वो कीड़ा ही था लाइम लाइम सा कीड़े बोलो 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 क्या बोला था वो बात ऐसी है कि आप लोग भी समझदार हो मैं भी समझदार हूँ मेरे भी बीवी बच्चे हैं तो आप थोड़ा सा समझो बात को समझना यहाँ पे इस चेक पोस्ट के बाद है ना 60-100 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है कुछ भी हो सकता है ठीक है ना कुछ भी हो सकता है गाड़ी नहीं रुकेगी और मेरे बीवी बच्चे मैं भी आपके भी माँ बाप है पेरेंट्स भैया ये देखते हैं ना उस कैटेगरी की है नहीं लेकिन बीवी बच्चे मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा चाहे टायर पंचर हो जाए उसका ये सच बात है आर्मी आर्मी सब आएंगे मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा चाहे गाड़ी आ जाए आर्मी की चाहे पुलिस की ये बता रहे हैं मजे में पर भाई वो बहुत सीरियस में बोल के गया और मेरी जब से हालत खराब हो रही है इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। जब जब इसको पता चला ना मैं आ रहा हूँ तो ये परेशान हो गई क्योंकि इस बंदी को इतनी टेंशन हो जाती है मेरे आने में क्योंकि डांस तो कर नहीं पाती मुझे तू तो अपना भाई है मुझे देख ले लड़के हेलो गाइस हम बहुत परेशान हो रहे हैं हमारा नेट नहीं चल रहा है 3 घंटे आ रही है उसके बावजूद नेट नहीं चल रहा है। मैं तेरा कॉल पे मैं ऑफ कोड दे रहा हूं पर कोई ले नहीं रहा ये जो ये जो वो पीछे भैया है ना वो हमारे को 100 रुपए में 100 रुपए जो कि हमारे जैसे छोटे बच्चों के लिए इतने ज्यादा है और वो हमारे लिए फ्री में हॉटस्पॉट दे पा रहे इतने मासूम से बच्चों को देखो बात करनी है तो हॉटस्पॉट देना पड़ेगा 100 रुपए का गाइस
सब चमक के दिखा दिखा और प्लस से अगर हम जी ब्लॉग में नहीं आए तो सोच लेना ये पेज कभी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, अगर ये ब्लॉग में हम नहीं आए तो समझ लेना कभी नहीं चलेगा। ये बना हुआ है, कुछ है स्क्रिप्टेड है सब कुछ, ठीक है। ये देखो इनके अलग ही गेम चल रहे हैं, अलग ही बिल्कुल कुछ गेम का कोई सेंस नहीं है। अलग लग गया, लग गया, हार गए। चलो एक बार है तो हमारी बस भाई ये खड़ी, हमने वो 130 किलोमीटर वाला रास्ता पार कर लिया था और यहाँ पे आप देख सकते हो चेक पोस्ट पे हम लोगों का रुक गए गाइस। तो हम लोग आ चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था हमारा 130 किलोमीटर वाला वो रास्ता ही पार हो गया था, उसके बाद हमने सारे सब कुछ पार कर लिया था। अब हम आ गए उधमपुर में और मेन चेक पोस्ट पे, जहाँ से बिल्कुल लास्ट गाड़ियाँ जाती है, मतलब यहाँ पे अभी हमारी गाड़ियाँ होल्ड है और ये आज पूरे दिन होल्ड रहेगी। आप देख सकते हो यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा, पुलिस वाले देखो कितने हैं और कितने कितनी सारी गाड़ी हैं, पुलिस वाले कितने, मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि तीन दिन जाने का रास्ता होता है, तीन दिन आने का और एक दिन रोड साफ करने का, लाइक रोड एकदम क्लियर हो जाता है। तो आगे कितनी दूर तक है जाम भैया बताएंगे, भाई लो एक और नई बात सुनने को मिल गई है, यहाँ कितना प्यारा दिख रहा है ना, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। आप देख सकते हो ये देखो पहाड़ और ये इधर देखो पहाड़ ही पहाड़ था। अभी मैंने फिर चेंज वेंज किया, थोड़ा फ्रेश हुआ हूँ, कुछ खाया पिया है, अब जाके मेरे में जाना ही है, अब मैं निकला हूँ। भाई भी चेंज हो चुका है, ये देख लो फुल लुक में आ चुका है, एडिडास वाला बंदा चेंज हो के आ चुका है फ्लावर्स में, ये लो भाई मोची बन चुके हैं। तो भाई अब जाएंगे, अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या नज़ारे होंगे। बाकी ये लोग घूम गए थे, कैसा लग रहा था जब तुम इससे पहले गए थे? वो तो ठीक था, वही फाउंटेन से आ रहा था हल्का हल्का पानी बस। भाई ये लोग गए थे नॉर्मल जगह, अभी ना दो तीन भैया लोग हैं वो गए थे बढ़िया जगह, ये भाई गए थे बढ़िया जगह। तो बह गया था हैं, फिर कैसे आए तुम? पकड़ा था बंदे ने, एक बंदे ने पकड़ा, मस्त है जगह, एक नंबर झरना बोलिया मां दो तीन झरना। ये घूम के आए अच्छी जगह पे, ये गए थे नकली जगह पे, बट अब हम जाएंगे दोबारा से असली जगह पे एकदम सब लोग सारे के सारे बंदे और फुल एंजॉय करेंगे। आज पूरा दिन है हमारे पास, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी हमारे सारे डांसर्स सब लोग एकदम एक्टिव हो चुके हैं इस टाइम पे, अब सबको घूमना है बस। ये हमारी बस है और देखो बस कहाँ खड़ी है, यहाँ से कूद जाएगा तू हैं, तुम कूद जाओगे यहाँ से जहांगीर साहब, तुम कूद जाओगे यहाँ से? नहीं कूद पाओगे, आराम से कूद जाओगे। कितना फिट होगा ये होगा 8 या नहीं 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 7 से तो ऊपर है, 8 होगा। और ये रहे हमारे डांसर्स, ये रहे भाई एक भाई एक, ये रहे भैया इस्लाम भैया, एक ये पिंकी रिंकी आगे पापा, एक भाई मेरा भाई भैया और बाकी ये भाई लोग अपने सारे। भाई व्यू देखो, अबे यार ऐसे ना ले क्या, जैसे भाई लोग ना रहे हैं ऐसे ना लेते हैं भाई, गांव वाली फील आ जाएगी। ये जूते और ट्रैकिंग का बैग होता तो हम तो ट्रैकिंग करने आए हैं, ऐसे वाली फीलिंग आ रही है। 50 और नीचे है ये दूसरी बार आ रहे हैं भैया, पहली बार आ चुके हैं, मतलब कि यहीं पर अभी सुबह आ गए थे और उसके बाद दोबारा आए हैं। बादल कितने क्लियर दिख रहे हैं यहाँ से, पहाड़ सॉरी। भाई नीचे जाएंगे फोटो वोटो खींचेंगे आज क्रू व्रू की अपने, है ना, बोले अच्छी अच्छी फोटो खींचेंगे आज बड़े। छत पे भाई के खड़ी है भाई छत पे, भाई छत नहीं है। और देखो सुन तो लो
छत पे बाइक खड़ी है और इनकी छत भी घर पे ही है। ये देखो भाई ग्राउंड फ्लोर है, ये देखो इनका ग्राउंड फ्लोर छत पे है, फर्स्ट फ्लोर नीचे है, सेकंड फ्लोर। ये देखो यहाँ से जीना है, इनके फ्लोर्स उल्टे हैं भाई, हिसाब अलग है इनका, यहाँ से बनना है फिर नीचे जा रहा सीन। पर ये जो सीन है उधर, ये आड़ू वाला फल खाते हुए, ये आड़ू वाला फल खाते हुए भाई, ये वाला रास्ता सही है ना, इधर से चलेंगे अपना। अरे हमारे बॉयज, तू तू क्या खा रहा है बे, तू क्या खा रहा है, तू क्या खाना चाह रहा है, चलो आओ गाइस, तो मैं लेके चलता हूँ, आओ आओ। अरे उधर से नहीं इधर से जाएंगे, आओ ना यार भैया, हम लेके चलेंगे तुम्हें, रास्ता नहीं है। अबे हो तो रहा, चलो चलो सिमी चलो, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, जान दो हमने रास्ते चेंज कर लिया आज से अपने, अब हम किसी के साथ नहीं रह करेंगे। गाइस देखो हमें जाना है वहाँ, आप देख ही रहे हो वहाँ पे, और भाई हम जा रहे हैं अपने यहाँ से फुल पावर। भाई इधर से चलते ना, अरे ये तो ना सिंपल रास्ता, नहीं नहीं उधर और भी शॉर्ट वो था। अरे यार मेरे को मेरा हाथ पकड़ के उतारोगे क्योंकि मेरी चप्पल स्लिप करती है। आओ तो मैं हम भगा के वो भगा के से पहाड़ियों में लेके जा रहे हैं, बताओ लड़की भगा के, गाइस हम लड़की भगा के पहाड़ियों में ले जा रहे हैं, सीता को भगा के ले जा रहे हो, मतलब ये रावण है, मतलब मैं रावण हूं, ये कलयुग का रावण है भाई, इसको लेके बनानी चाहिए थी आदि पुरुष, वो पता नहीं किसको बना दिया लेकर, ये हंसी हंसा कौन भाई, बस भाई इस आदि पुरुष का शक्ल दिखाते हैं हम आपको, इस रावण की शक्ल, आराम से ये है अपना रावण। चलो आगे तो चलो, तो मैं आगे नहीं चल सकता, कैसे कैसे पता है, नॉट नाउ, ऐसी आवाज मत निकालो पर यार, ये अरे वो आगे से था, तुमसे तो पहले ही है भैया, चलो भाई हम सेफ्टी से लड़कियों को भी तो ला रहे हैं ना।